बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याक नाबुदु व याक नस्ताईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, कल रात 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्ला ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा कि जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, और फिर जो हमें खबरें आ रही थी कि उनके उनके ख़िलाफ़ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना। तो जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मेरे सारे शक दूर हो गए, क्योंकि मेरे जो इसने बातें की, इसका मतलब दो चीज़ें: या इनको डर लग गया कि जब वो ख्वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की है, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही, और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकलाई तो पहले से तैयारी कर लो कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी, तहरीक इंसाफ ने खुद ही सब कुछ करवाया। देखिए, मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम के सामने, मैं आपको अपनी जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है और उससे पहले भी जो मेरा तजर्बा है पाकिस्तान को, अपनी कौम को और मुल्क के साथ ही हम बड़े हुए हैं, कभी औरतों के साथ ये रवैया नहीं हुआ जो जब से 25 मई से शुरू हुआ, यानी एक साल से पहले, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। मैं जब यहाँ से बरतानिया गया तो एक बड़ी हम वो कहते थे जी, हमने औरतों को बड़ी बुरी तरह रखते हैं। मैं समझता था कि जो हम औरतों की इस मुल्क में इज्जत करते हैं, दुनिया में नहीं की जाती, और मैंने देखा है इस तरह की इज्जत नहीं की जाती औरतों की। और क्योंकि ये हमारी सिर्फ रवायत ही नहीं है, ये हमारा दीन का हिस्सा है। अब मैं बताऊं कि 25 मई को क्या हुआ। 25 मई को दरवाजों तोड़ के घरों में घुस गए, रात गए, ना चादर ना चार दीवारी। अगर इन्होंने ना फिक्र की कि वहाँ औरतें हैं, औरतों को कहीं को उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए। हमें आहिस्ता आहिस्ता जब खबरें मिली, मैं मानू ही ना कि ये हुआ है। जब हम अपनी औरतों MPs को मिले, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी औरतों की तंजीमों को मिले, फिर जो अपने MPs मर्द को मिले, उन्होंने सब ने आहिस्ता आहिस्ता एक ही कहानी सुनाई कि प्लान करके ये किया गया था खौफ फैलाने के लिए, और इन्होंने ज़बरदस्ती बदतमीज़ी की, यानी एक प्लान करके कि दहशत फैले। ये इस तरह इन्होंने लोगों के घर तोड़े और घरों में घुसे हैं, तब भी इन्होंने गाड़ियां तोड़ी। डॉक्टर यास्मीन की तस्वीर है, वो गाड़ी में बैठी है, उसकी गाड़ी तोड़ रही है पुलिस। तो ये एक प्लान था, लेकिन फिर हम उस वक्त नहीं मुझे पता था ये प्लान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे कोई शक नहीं कि ये पूरा प्लान है कि औरतों को डीपोलिटिसाइज किया जाए। आधी आबादी जो पाकिस्तान की है, उसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए। इसको देख के जो मर्द हैं, जो खावत हैं, जो बाप हैं, जो भाई हैं, वो इतने खौफजदा हो जाए कि ये औरतों से इतना जुल्म होता है, या औरतों से जिस तरह का ये इन्होंने सलूक किया है जेलों के अंदर, या उससे पहले जब ये पुरमन एहतजाज कर रही थी, जिस तरह मारा है औरतों को, तो इतना उनको खौफ आ जाए कि वो औरतों को कहें आप घर बैठ रहे हैं, आपने सियासत में शिरकत नहीं करनी। और इससे बड़ा जुल्म किसी माशरे पे हो ही नहीं सकता कि आप 50% अपनी आबादी को पॉलिटिक्स से बाहर रखते हैं। तहरीक इंसाफ वो जमात है, और मुझे फख्र है इस पर, कि पहली दफ़ा ख्वातीन ने इस तादाद में इसमें शिरकत की, हमारे जलसों में फैमिलीज आनी शुरू हुई। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ, फैमिलीज, पढ़े लिखे लोग, गरीब से पर्दादार ख्वातीन से इंग्लिश मीडियम, हर किस्म की ख्वातीन हमारे जलसों के अंदर आई और शिरकत की, और फिर एक्टिव हुई, और फिर सोशल मीडिया जब आया तो उसके ऊपर एक्टिव हो गई ख्वातीन। तो मैं समझता हूँ कि इससे खुशाइन चीज़ हो ही नहीं सकती एक माशरे में। इसका मतलब कि एक माशरा जाग गया है, और जब एक जागा हुआ माशरा है, वही अपने हकूक लेता है, वही फिर उसे वही जमहूरियत होती है।
जिस जमहूरियत के अंदर लोग निकलते नहीं वोट डालने के लिए, 15-20% टर्न आउट होता है, वो जमहूरियत तो होती नहीं है। इसका मतलब कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए, यानी लोग डीपोलिटिसाइज हो जाते हैं। अब हमारी तारीख क्या है, पिछले 60 सालों के अंदर आधा वक्त फौज ने हुकूमत की है, आधा वक्त दो खानदानों ने किया। और जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती थी तो उसकी पहली कोशिश होती थी कि लोग डीपोलिटिसाइज हो जाए, कि पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है, लोग पॉलिटिक्स से हट जाए। और वो इसलिए चाहते थे कि जब एक एक लोग डीपोलिटिसाइज हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उनका उनका यानी उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि मुल्क में जो मर्जी किया जाए, यानी कोई नाइंसाफी हो, कोई हकूक उनको, या उनको फिक्र नहीं है, या उनका ख्याल है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो चुप करके घरों में बैठ जाते हैं और फिर डिक्टेटर पूरी तरह हुकूमत करता है। अब ये वही फेज आ गया कि एक आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन से हमारा मुल्क आगे बढ़ना शुरू हुआ। हमने एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई जिसको कहते हैं लॉयर्स मूवमेंट, वकील जब आज़ाद अदलिया के लिए निकले, मैं जेल में गया, हमने सब ने शिरकत की। वो पहली दफ़ा पढ़े लिखे तबके ने शिरकत की कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी हमारे हकूक की हिफाजत नहीं होगी, और आज़ाद अदलिया जमहूरियत की हिफाजत करती है। तो वो एक 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 बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की अदलिया जिधर पावर होती थी, जो हुकूमत होती थी, उसके साथ चलती थी, और नज़रिया ज़रूरत ले आती थी कि आइन भी अगर ताकतवर तोड़ना चाहे तो उसको मौका दे देती आइन तोड़ने का। इसलिए हमारे कभी सही माने में हकीकी जमहूरियत आई नहीं, और हकीकी जमहूरियत का मतलब है हकीकी आज़ादी। देख लें, पहले ये समझ आए, जमहूरियत जब हकीकी होती है तो इसका मतलब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो हकूक है, उनकी हिफाजत करती है मुल्की अदलिया। गवर्नमेंट को कोई गलत काम करने नहीं देती, क्योंकि वो आइन के बीच में चलती है। और फिर जब आपके मुल्क के अंदर लोगों के हकूक मिल जाते हैं और उनको अदलिया उनके हकूक की हिफाजत करती है, वो आज़ाद हो जाते हैं और वो मुल्क फिर ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यूरोप जब आज़ाद हुआ, जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई, तो सारा जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ जमहूरियत आ गई। सिर्फ स्पेन में नहीं आई, वहाँ डिक्टेटरशिप थी। 50 साल के बाद देखेंगे सारा वेस्टर्न यूरोप आगे निकल गया, खुशहाल हो गया, और स्पेन पीछे है। हालांकि स्पेन भी एक वक्त पे बड़ा अमीर मुल्क था। तो जमहूरियत, आज़ादी, खुशहाली, ये सब साथ चलते हैं, लेकिन बुनियाद इनकी इंसाफ में है। इंसाफ का मतलब है कि जब आए एक माशरा आपके उसकी अदलिया फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती है तो वो आज़ाद हो जाते हैं, वही वहीं जमहूरियत आती है, वहीं खुशहाली आती है। तो ये एक सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे हैं। आज़ाद अदलिया की मूवमेंट हुई, अदलिया आज़ाद हो गई। अदलिया ने बहुत तो बड़ी देर तक, और ऐसा कि लोगों को इत्माद होता था कि हुकूमत हमारे से ज़्यादती नहीं करेगी, हम अदलिया पे के पास चले जाएंगे। मेरे 3.5 साल में मुकम्मल तौर पे अदलिया आज़ाद, किसी किस्म की मुझे कोई बताया कि हमने इंटरफेरेंस की हो, मुकम्मल तौर पर मीडिया आज़ाद। ज़रा मुआजना करें आज जो मीडिया का हाल है और जो हमारे दौर पे था, 80% तनकीद हमारी गवर्नमेंट की हो रही होती थी। हालांकि उस गवर्नमेंट ने कोरोना से दुनिया ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान के, जिस तरह हमने कोरोना को हैंडल किया, टॉप 3 दुनिया में मुल्क थे। दुनिया ने हमारे एहसास प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया, दुनिया ने हमारे जो हमने पहली दफ़ा माहौलियात के ऊपर मुल्क की तारीख में जो हमने दरख्त उगाए, जो बिलियन ट्री सुनामी जिसको कहते हैं, दुनिया ने माना उसको। बोरिस जॉनसन ने, जो ब्रिटानिया प्राइम मिनिस्टर, जो यूएन में तकरीर में नाम लिया मेरा और कहा कि हम उस तरफ आगे जा रहे हैं, पहली दफ़ा डैम्स बनाने शुरू किए 50 साल के बाद। तो वो हुकूमत जो अपने मुल्क की इकॉनमी को भी ला के खड़ा कर दिया, और 6.1%, कोई कहता 5%, यानी तारीख की वो चंद लम्हे थे जब सबसे ज़्यादा मुल्क आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसको तनकीद कितनी हुई। ज़रा उठा के देख लें अखबार, आप सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स देख लें, हमें सारा वक्त तनकीद हुई। हमारे यहाँ 3 लॉन्ग मार्चेस हुई, एक बताएं कि किसी के ऊपर कोई FIR काटी, किसी को कोई घरों में घुस के कोई रोकने की कोशिश की। तो ये जो हुआ हमारे साथ 25 मार्च के बाद, ये प्लान के हुआ था।
ये हमारी जमहूरियत को जो जितना नुकसान अब पहुंचा है, मैं जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप मुझे याद है, इस तरह के हालात नहीं थे वहां। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो मीडिया भी चल रहा था, वहां तो मैं ऑपोजिशन में था, हमें तो कभी इस तरह की सख्ती नहीं हुई। तो ये तो अब वो जनरल जिया के दौर पे पहुंच गए हैं, तो मुझे तो नहीं पता कि जनरल जिया के दौर में किस तरह ऑपोजिशन को किया। हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी सख्ती थी, लेकिन जो अब हो रहा है ये तो हमारी सारी जमहूरियत की नेगेशन हो गई है। ना यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं, ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुने माने जाते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है 90 दिन में इलेक्शन, ना वो इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट उसकी उसकी परवाह नहीं करती। अदालतें बेल देती हैं, पकड़ के दूसरे केस में अंदर डाल देते हैं। अदालतें कहती हैं हमें इमरान रियाज को यहाँ लेके आओ या किसी और को लेके आओ, उसकी परवाह नहीं की जाती। यानी मीडिया का जो मुंह बंद किया हुआ है, जिस तरह के हालात आज हैं, टेलीफोन किए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, हमारे जो लोगों को आप ये तोड़ रहे हैं और जो कहते हैं कि जी मैं तहरीके साहब छोड़ा हूँ, मैं फौज से बड़ा प्यार करता हूँ, ज़रा उनसे ज़रा चुप करके बैठ के पूछें कि उनसे क्या क्या है। उनकी धमकियां दी गई हैं कि तुम्हारी फैमिलीज को नहीं हम छोड़ेंगे, तुम्हारे बिजनेसेस खत्म कर देंगे। ये कब हुआ था पाकिस्तान की तारीख में? उनके उनके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी वो अगर ट्वीट कर दें, उनके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं यहाँ पाकिस्तान में, जिनका कोई ताल्लुक ही किसी से नहीं है। यानी जिस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं, इसका तो कोई तस्वर भी नहीं कोई कर सकता था होगा। तो जमहूरियत तो ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में। इसलिए मैं आज अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट, अपनी सारी कौम की तरफ से, वो पार्टी जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, मैं उसकी तरफ से, बल्कि अपनी अवाम की तरफ से, मैं आपको आज अपील करता हूँ कि सारा मुल्क अब आपकी तरफ देख रहा है, ये तारीख याद रखेगी आपका रोल। अब तक हमें ऐसे नज़र आ रहा है कि आप ताकतवर के सामने आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर कंसीड किए जा रहे हैं, अपनी आज़ादी खोए जा रहे हैं। हमें नहीं नज़र आ रहा कि आप स्टैंड लेने के काबिल हैं इस इन ताकतवर के सामने, क्योंकि जिस तरह हमारे फंडामेंटल राइट्स हर रोज़, मैं हर रोज़ की अब बात कर रहा हूँ, रात उमर अय्यूब के घर में घुसे, वहाँ सारा दूसरी दफ़ा घर में घुसे, वो तो छुपा हुआ है, उसका सारा घर तोड़ दिया। शहजाद अकबर वो इंग्लैंड बैठा हुआ है, उसका जो भाई है वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल चाइल्ड है, जिस तरह जिले शाह था, रात उसके घर में घुसे, उसको उठा के ले गए। यानी जो हो रहा है अब, हर रोज हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, और फिर कोई इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारे को हिफाजत करने के लिए एक ऐसी अदलिया है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो मैं इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि ये बड़ी मुश्किल से हम जमहूरियत का सफर तय करके यहां पहुंचे, इस वक्त आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो तारीख ये याद रखेगी कि जब कौम को जरूरत थी कि एक फैशिस्ट गवर्नमेंट जो बिल्कुल जमहूरियत को रोल बैक कर रही है, वो जब ये कर रही थी, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत और अपनी अपनी जो ड्यूटी थी, उनकी जो जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े हों, उन्होंने अपना वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। इसलिए मैं बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे आज अपील कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो एक काम करें कि हमारी जो औरतें जेलों में हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना राइट था, उनका हक है, आईन उनको हक देता है पूरा मन एहतजाज करने का, जिधर भी कर सकती हैं, अगर उन्होंने मुझे देखा, हमारे लोगों ने देखा कि मुझे गैर कानूनी तरीके से अखवा करके लेके जा रही है रेंजर्स, जो पाकिस्तानी फौज है, और लोगों को डंडे मारे, मुझे मारा, जिस तरह मुझे लेके जा रहे थे, तो क्या उनका हक पुरमन एहतजाज करने का नहीं था? और उन्होंने किधर एहतजाज करना था? GHQ के सामने करना था, जो भी आर्मी जिधर होगी उधर ही करना था, कंटोनमेंट में करना था, और किधर जाके वो एहतजाज करते? पुरमन एहतजाज करना उनका हक था, जो वो नहीं करना, जिसने भी किया है उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिन्होंने जलाया, जिन्होंने तोड़ फोड़ की। मैं पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मुझे तो पहली दफा पता चला हुआ क्या,
मैंने तो तब मजम्मत की थी और मैं कहा उनके ऊपर एक्शन लो, क्योंकि गैर कानूनी चीज के ऊपर एक्शन लो। लेकिन उसकी आड़ में जो हो रहा है, जिस तरह ये मुल्क सारी जमहूरियत रोल पैक की जा रही है, एक पूरी पार्टी को बैन कर, सबसे बड़ी पार्टी को पकड़ के हर आदमी को जेलों में डाला जा रहा है, तो ये पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ये जमहूरियत के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये मुल्क की आजादी के खिलाफ हो रहा है, ये तो हमें गुलाम बनाया जा रहा है कि हमें ताकत का गुलाम बनाया जा रहा है, हमें ये कानून की हुक्मरानी नहीं है, अब ये ताकत की हुक्मरानी आ गई, ये जंगल का कानून है। तो आपको नंबर वन वो औरतें जिन्होंने किसी जलाओ घराव में नहीं थी, सिर्फ वो अपना जो उनका हक है, आइन हक देता है पुरमन एहतजाज का, उसकी वजह से जेलों में है। और मैं आपको बता रहा हूं कि उनके ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं, हर के नहीं, मैंने अडियाला जेल से नहीं सुना कि औरतों से ज्यादती हुई, सिर्फ उनकी कंडीशंस बुरी हैं जिधर जिस तरह उनको ठहराया हुआ है, लेकिन और जगह से खबरें आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सो मोटो एक्शन लेके उनको तो बाहर निकालें। दूसरा, जुडिशियल इंक्वायरी करें, भाई पता तो चलाएं कि किसने ये जलाओ घराई किया है। सारी दुनिया के अंदर अगर कोई इंसिडेंट होता है उसके ऊपर कोई एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है। गवर्नमेंट ने तो सीधा इल्जाम लगा दिया है, क्योंकि ये तो पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे, इनके तो पहले स्टेटमेंट सुन रहे कि इंतजार में बैठे हुए थे कोई मौका मिले कि तरीके इंसाफ को किसी तरह मैच से बाहर निकाला जाए, क्योंकि मैच ये खेल ही नहीं सकते। लेकिन अदलिया का तो काम है कि कम अज कम इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन तो करवाएं, पता तो चलवाएं कि कौन जिम्मेदार है इसका, और आपकी पूरी मदद करेंगे हम, जो जिम्मेदार है मैं आपको कहूंगा उनको सजाएं दो। लेकिन साथ साथ हमारे मुताबिक 25 लोग शहीद किए गए, सीधी गोलियां मार के मारा गया, उसके अलावा कई 100 लोगों को गोलियां लगी हैं। कौन सी दुनिया के अंदर पुरमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती? किसी के पास वेपन नहीं थी जिनको मारा गया, क्या उनका कोई, क्या मुल्क की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि किसी को आप कत्ल करते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है कि क्या एक जान ली है आपने? उनके भी घर में मां बाप बच्चे बहन भाई हैं, तो क्या कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर? अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। 25 लोग हैं जिसमें से 18 हम आइडेंटिफाई कर बैठे हैं, बाकियों को इतने खौफजदा लोग छुपे हुए हैं, उनके रिश्तेदार डरे हुए हैं बताते हुए। जो लोगों को गोलियां लगी हैं वो कोई घरों में आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल से जाके उनको पकड़ लिया, जिनको गोलियां लगी हैं उनके जाके पुलिस ने उनके ऊपर केसेस कर दिए। ये खौफ की फजा है। तो कम अज कम एक जुडिशल इंक्वायरी में दोनों चीजें हों, जिन्होंने गलत जलाया और कोर कमांडर का घर, एक्शन ले उनके ऊपर, और जिन्होंने जिन लोगों को पुरमन एहतजाज करते हुए गोलियां मारी हैं उनके ऊपर भी तो इस मुल्क कौम का हक क्या पता चलवाना कि कौन कसूरवार है। और फिर तीसरी चीज, जब एक मुल्क के अंदर अदलिया के फैसले नहीं माने जाते और जजेस वहां बैठ के रो पड़ते हैं कि हम क्या करें, हम आपको बेल देंगे वहां से फिर पकड़ लेंगे, तो आप बेहतर यह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें और कहें जी मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं। तो ये जो तमाशा हो रहा है ये तो सबसे ज्यादा हमारी अदलिया के ऊपर अब सारी कौम देख रही है कि एक आदमी के ऊपर सारे कुछ, वो दहशत गर्द भी है, वो सब कुछ है, लेकिन एक चीज वो कह दे कि जी मैं आज तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं तो वो सारा कुछ माफ हो जाता है। तो ये कौन सा कानून है? ये तो जंगल का कानून बन गया। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस जो आईजीज, जो पुलिस वाले हुक्म नहीं मान रहे अदलिया का, जिस तरह इमरान रियाज को वो कह रहे हैं प्रोड्यूस करो, वो नहीं दे रहा है, तो उनके ऊपर तो कंटेम्प्ट लगाएं, ताकि हमें पता तो चले कि कोई इस मुल्क के अंदर कानून है। अगर कानून पे नहीं चलेंगे तो क्या ताकतवर को कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस वक्त गवर्नमेंट है, तो उसके ऊपर भी लगाया जाए। और जो हमारे 23,000 लोगों की इन्होंने लिस्ट बनाई है, हमारे कारकुनों की 23,000 की, जिसमें हमारे ख्याल के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा जेलों में, तो इनके ऊपर ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कईयों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, इनको तो इनके ऊपर जो भी है, अगर इनमें से कोई गिल्टी हैं या इन्वॉल्व हैं तो उनको जेल में रखें, बाकियों को तो छोड़ें,
क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो वो थे ही नहीं वहां, यानी तीन चार जगहों के ऊपर जिधर आगे लगी है, जिधर आपको पता है कौन लोग हैं उधर उनके अंदर जो इन्वॉल्व है, लेकिन जो सारे कारकुन पाकिस्तान से पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है ये तो पॉलिटिक्स खत्म कर रहे हैं, ये तो प्लान डेमोक्रेसी को वाइंड अप करना है। तो इसलिए मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर जुडिशरी से कि देखें ये एक ये सिर्फ ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, ये सारी हमारी जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है और ये बड़ी मुश्किल से डिक्टेटरशिप से निकल के फिर आती थी फिर वापस डिक्टेटरशिप, बड़ी मुश्किल से एवोल्यूशन यहाँ हुई है। और जो अदलिया के लिए जो कौम खड़ी हुई थी और जो लॉयर्स मूव वहाँ भी कुर्बानियाँ दी थी, वहाँ भी जेल में गए थे, तो वो आप अगर इधर आके वापस हमने चले जाना है वो स्याह दौर के अंदर, ये जो दौर मुशर्रफ से भी बुरा दौर है, तो इसका मतलब कि सारी जो कौम की कोशिशें अपनी जमहूरियत और आज़ादी की तरफ सफ़र था और रूल ऑफ लॉ की, वो तो सारा रोल बैक हो रहा है। इसलिए आपकी तरफ हम सब देख रहे हैं। आखिर में मैं गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें अपने आप को टाइम दे दें, आपने 2 हफ्ते लेने हैं 3 हफ्ते लेने हैं, जितने लोग तोड़ने हैं आप इस टाइम में तोड़ लें, और जिस रेट पे जा रहे हैं काफ़ी लोग आपने तोड़ लिए हैं और काफ़ी और भी टूट जाएंगे जो कहेंगे कि जी हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और हम आज तहरीक इंसाफ को छोड़ना बड़ा जुल्म हुआ 9 मई को, वो तो हम सारे कह रहे हैं कि 9 मई को जो जो भी तोड़ फोड़ हुई हम सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं, हम भी सारे अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, वो तो हम सब भी कह रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को हम छोड़ रहे हैं। तो जितनों को भी छिड़वाना है मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी नीचे जा रही है, इस वक्त पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है आम लोगों के लिए तनख्वाहदार तबके के लिए, तो अपने आप को टाइम फ्रेम दे दें 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें, जब आप समझें कि आपने तहरीक इंसाफ से इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर इलेक्शन अनाउंस कर दें, मुल्क को तो निकाल लें इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है, लेकिन फैसला कर लें, टाइम ना। इस वक्त मैं कोई अपनी पावर के लिए ये नहीं कह रहा, मैं अपने मुल्क की अब बात कर रहा हूँ, सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए इस मुल्क को तबाह ना करें, इस मुल्क में सिर्फ जिन लोगों का जीना मरना यहाँ है वो इस वक्त उनके लिए मुश्किल हो गया है रहना, जो छोड़ के जा सकते हैं 9 लाख से ऊपर लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं मुल्क, और जिन लोगों के इस वक्त इकतदार में बैठे हुए हैं और जिनके साथ एस्टेब्लिशमेंट है उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, डॉलर में पैसे हैं, रुपया गिरता जाए उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ना, लेकिन इस कौम को फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए जल्दी फैसला करें, 4 हफ्ते के बाद जितने तोड़ने हैं तोड़ लें, फिर इलेक्शन करवा दें। शुक्रिया।